हेलो फ्रेंड, कुकिंग शाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ग्वार फली का चोखा, इसको केवाँच भी कई जगह कहा जाता है, इसका चोखा बनाना आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको ग्वार फली ले लेना है। इसको एक पैन में डाल लीजिए। इसमें पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट इसको लगेगा उबलने में। जब ये उबल जाए इसको ढक के उबाल लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, ग्वार फली को। जब ये उबल जाए, तो इसको देख लेंगे कि ये पका है कि नहीं। इसके बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको फिर छीलेंगे। ये जब उबाल के छिला जाता तभी इसके रेशे निकल पाते हैं। उबाल के इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको छीलेंगे। इसको ऐसे करके छीलेंगे तो इसके रेशे निकल जाएंगे। अगर आप इसे बिना उबाले, अगर सब्जी बनाए चाहे चोखा बनाए, अगर इसको बिना छीले, बिना उबाले अगर इसको आप बनाएंगे तो इसके रेशे नहीं निकल पाएंगे। ऐसे करके सारे के रेशे निकाल लेंगे, सारे ग्वार फली का। सारे रेशे जब इसके छिल जाए तो उसके बाद इसमें कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, सरसों का तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालिएगा तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हरी धनिया डाल लीजिएगा। आपकी ये ग्वार फली के चोखे बनके तैयार। खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें और भी आप टमाटर भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। थैंक यू।